नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, यानी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हमारे दोस्त हमसे जिक्र करते हैं कि हम लोग जो है वो पैसा जो है वो कैसे कमा सकते हैं, या कैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं, या फिर पैसे कमाने का जो है वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो उन कुछ खास तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ट्रस्टेड है, और 100% ये बात कही जा सकती है कि उनसे जो है वो हम लोग पैसा आसानी से कमा सकते हैं। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं और आप आगे की हमारी आने वाली इस सीरीज़ की सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक बटन जो है वो दे दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन दबा लें, आपके सामने एक घंटी का आइकन दिखेगा, आप उसको जो है वो दबा करके हमारे साथ आने वाली नई वीडियोस को जो है वो पा सकते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य जो है वो हो सकता है कि आप जो है वो कुछ खरीदते समय पैसा जो है वो बचा लीजिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप कुछ खरीदते हैं और शॉपिंग के समय कुछ पैसा बचाते हैं, तो वो भी आपकी एक कमाई के बराबर होगा। अगला जो काम है वो काफ़ी आसान है और वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया के अंदर 80% के लोग जो हैं वो इंटरनेट अपने मोबाइल के ज़रिए जो है वो विजिट करते हैं, यानी मोबाइल के ज़रिए जो है वो एक्सेस करते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे बैंकिंग के, या फिर किसी भी अलग तरह के शॉपिंग वेबसाइट्स के, या फिर किसी कैब वगैरह के जो है वो ऐप्स आपको मिल जाएंगे, जिनके बारे में हम भी जो है समय समय पर वीडियो जो है वो बनाते रहते हैं। तो उनको जो है वो आप शेयर करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, और वो काफ़ी रियल मनी होती है जो कि आपको कुछ ही समय में जो है वो मिल जाती है। अगली होती है एफिलेट मार्केटिंग की, यानी एफिलेट अर्निंग की। तो कई बार जब वो हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे वो अमेजन हो, वहाँ पर जब वो एफिलेट अकाउंट बना करके उसके बाद जब वो हम लोग अपने एक लिंक के जरिए किसी को भी जब वो सामान परचेज करवा सकते हैं, कोई सामान अगर वो खरीदेगा तो आपको जब उसका कुछ खास पैसा जो है वो मिलने वाला है एफिलेट मार्केटिंग के जरिए। ये काम अगर तब सक्सेसफुल ज़्यादा होगा अगर आपका बहुत बड़ा कोई खास जो है वो दो तीन आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स हो और उनके साथ ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो होंगे तो उनके अंदर जो आप एफिलेट लिंक को जो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत बड़ा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप पेज है, या फिर ट्विटर पेज है, तो आप वहाँ पर भी जो इसको शेयर कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट और यूट्यूब पर तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। अगला जो है वो शो फॉर अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है वो बुज़ुर्ग हो या फिर हमारे नज़दीक में रहने वाले वो लोग जो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी दुकानों से जो वो शॉपिंग करते हैं, तो अगर वो दुकानों से शॉपिंग करे किसी सामान की, तो आप उनसे पूछिए कि एग्जैक्ट उनसे क्या रेट मांगा गया है ऑफलाइन शॉप पे। तो कई बार ऐसा देखा गया कि आप अगर कोई मोबाइल खरीदते हैं, या फिर आप खरीदते हैं कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, या फिर कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग के अंदर वहाँ पर रेट में जो है वो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो आप जो है वो उसके अंदर से आधा मार्जिन जो है वो अपने उन बुज़ुर्गों को या फिर उनको दे सकते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, और आधा मार्जिन जो है वो खुद कमा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं जो लगभग हर 10वें 15वें दिन जो है वो लैपटॉप किसी दोस्त को मंगवा करके देते हैं, या फिर किसी अपने रिलेटिव्स को, और वहाँ पर लगभग जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये की सेविंग जो है वो करते हैं। और मैंने एग्जैक्टली उनको देखा है कि वो 4-5 हज़ार में से 1 हज़ार रुपये अगर वो कस्टमर्स को दे देते हैं, और 4 हज़ार रुपये या 3 हज़ार रुपये अपनी जेब में रखते हैं, तो कस्टमर को जो है वो इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है, और गारंटी के साथ बिल भी जो है वो ऑनलाइन मिल जाता है। अगला है YouTube चैनल का। तो हम लोग जो YouTube चैनल के बारे में तो हमेशा बताते ही रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल पे भी जो आप काफ़ी तरह की वीडियोस बना करके डाल करके वहाँ पर जो उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा तो नहीं कि आप जो उससे अपना जीवन यापन कर सकें, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप जो है वो अपने एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको जो है वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगली जो है वो अर्निंग की सुविधा है वो है वेबसाइट। वेबसाइट भी काफ़ी पॉपुलर है, और वो कुछ उस समय से चली आ रही है जिस समय इंटरनेट जो है वो इजाद हुआ था। इंटरनेट इजाद होने के कुछ ही सालों बाद जो वो वेबसाइट्स आ गई थी, और वहाँ पर जो वो एडवर्टाइजिंग लगभग 2009 से जो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तब से जो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वो होती रहती है अर्निंग, और लोग जो यहाँ से काफ़ी पैसा कमाते रहते हैं। अगला जो काफ़ी पॉपुलर है इस समय, जैसा कि मैंने बात की, आप जो वो देखेंगे कि 80% से ज़्यादा लोग इंटरनेट जो
वो मोबाइल के जरिए एक्सेस करते हैं इंडिया में, तो आप वहाँ पर ऐप्स बना करके जो है वो पैसा कमा सकते हैं। आप किसी भी सर्विसेज को दे उनको बताइए और उसके बाद जो है वो आसानी से आप पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अगली जो खास जानकारी है वो है प्रोवाइड सर्विसेज। तो आप जो है वो किसी भी तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे आप जो है वो इंडियन रेलवेज़ की जो है वो डिटेल्स देते हो, या फिर आप जो है वो ऑनलाइन मूवीज़ टिकट बताते हो, या फिर जो जितने भी थिएटर्स हैं उनकी टाइमिंग बताते हो, या फिर आप जो है वो रिव्यूज़ देते हो, या फिर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देते हो, आप कोई भी सर्विस या कोई सुविधा जो है वो लोगों को प्रोवाइड करते हो, तो उससे जो है वो आप पैसा कमा सकते हैं अगर वो आप सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब है फिल्म क्रिएशन। फिल्म क्रिएशन एक छोटा सा लेवल जो है इस समय बनता जा रहा है कि लोग छोटे लेवल पर फिल्मों को बनाने लगे हैं और लोकल थिएटर्स में से जो है वो काफ़ी कुछ अर्न जो है वो करने की कोशिश करते हैं, और उनको जो है वो फिल्म्स को वो काफ़ी सारी प्रमोशनल वेबसाइट्स वगैरह पर डाल करके भी जो है वो पैसा कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। एड्स क्रिएशन, तो इस समय जो है वो काफ़ी सारे नए ब्रांड्स, काफ़ी सारी नई कंपनीज जो है वो उभरती हुई है, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एड्स की, यानी एड जो है वो कोई उनकी बना करके दे दे आर्टिस्ट्स के साथ, और उनको जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा देने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। तो आप एड्स क्रिएशन का काम भी जो है वो कर सकते हैं। अगला जो है वो क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो आप जो है वो कोई नया जो है वो आप क्रिएट कीजिए, चाहे आप वो कोई कॉमेडी शो बना लीजिए, या फिर आप जो है वो कोई डांसिंग एकेडमी के लिए, या फिर कोई जो है वो आप सोशल वर्क जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके ज़रिए जो है वो आप अच्छी खासी अर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आप सोशल वर्किंग के ज़रिए जो है वो लोगों की हेल्प कर करके। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कि कैसे जो है वो हम लोग अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन मनी। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में खुल करके जानना चाहते हैं और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो टॉपिक जो है वो आप अपना कमेंट्स में जो है वो बिल्कुल भी लिखना ना भूलिए। आप जो है वो वहाँ पर मेंशन कीजिए आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको ये जानकारियाँ जो है वो मिल सकें कि हम लोग जो है वो इन इन तरीकों से कैसे कैसे पैसा जो है वो कमा सकते हैं। हम हर एक वो टॉपिक जो है वो क्लियर करने वाले हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि जो है वो आप उनके ज़रिए पैसा जो है वो ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। लाइक देंगे तभी हमें जो महसूस होगा कि आपको जो वो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम पता है, या फिर आपने जो हल्की फुल्की इनके पास में जानकारी है, तो हम जो वो इसके बारे में फुली डिटेल में आपको जानकारी जो वो देने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे आप, और बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में डालिए आपको क्या नई जानकारी और चाहिए, बने रहिए, सीखते रहिए कैसे करें।